ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जबलपुर शहर का नाम किया रोशन। शहर के नाम कुल किए 27 पदक। मध्य प्रदेश को प्रथम टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाने में सफलता अर्जित की। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के अध्यक्ष मिलन मुखर्जी, महासचिव राजकुमार यादव ने बताया कि विगत दिनों मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले में कोतमा नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे मंगल भवन परिसर में 3 दिवसीय चतुर्थ राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत से 12 राज्यों के ताइक्वांडो खिलाड़ी सम्मिलित हुए, जिसमें जबलपुर प्रेमनगर कालीबाड़ी मार्शल आर्ट एकेडमी व बिलहरी मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा 10 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता अर्जित की। कौन सी पदक तुम जीता है? राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल में। आप किस कैटेगरी में खेले थे? मैं सब जूनियर। आपका कौन सा मेडल लगा है? मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज लगा है। अनूपपुर कोतमा जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो का चैंपियनशिप रखी गई थी, जिसमें जबलपुर जिले से जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया था उनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया और एक ट्रॉफी भी जीती गई है। विभिन्न आयु वर्ग के 6 वर्ष से लेकर 17-18 वर्ष तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। इसमें उन्होंने कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल और कई ब्रॉन्ज मेडल जीत के जबलपुर ज़िले का नाम रखा। विगत दिनों हमारे जबलपुर प्रेमनगर कालीबाड़ी मदन महल के मार्शल आर्ट ताइक्वांडो विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर अनूपपुर कोतमा नगर में राष्ट्रीय चौथी राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल विधा में भाग लिए, जिसमें मध्य प्रदेश से 64 खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे और हमारे नगर के कम 28 विद्यार्थी उसमें शामिल हुए। बहुत ही हर्ष के साथ हम सभी बच्चों को बधाई देते हैं और सूचित करते हैं, बताने के मुझे बड़ा गर्व हो रहा है अपने आप में कि प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने इस मार्शल आर्ट ताइक्वांडो खेल विधा में काफ़ी सारे सोने चांदी हासिल करके आए हैं। स्वर्ण पदक हमारे बच्चों ने सर्वाधिक जीते हैं और इसी के साथ रजत पदक में भी हासिल किए हैं और कुछ बच्चों ने किक और पंसे में भी भाग लिए। ताइक्वांडो का जो ये हमारी जो विधा होता है, एक फाइट होता है और एक प्रदर्शन होता है, सो पुरुषिप कहा जाता है, और किक का भी, ये तीनों विधा का में बच्चों ने भाग लेते हुए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को दिलाने में सफलता हासिल की। बेटा कहाँ खेलने गए थे आप? कोतमा। कोतमा में कहाँ पे? अनूपपुर। अनूपपुर में कौन सा कंपटीशन था, किस स्तर का था? ताइक्वांडो नेशनल। नेशनल चैंपियनशिप था। आपको कौन सा मेडल मिला? सर मेरे को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अच्छा, कौन कौन सा खेल विधा में, मतलब कौन क्या किए? 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। कितने इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, एक है क्योर्गी बूंद से और किक। आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा? राजकुमार सर यादव का। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप, कहाँ जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए? सर हम कालीबाड़ी जाते हैं। अच्छा, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? सर ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अच्छा, आपको कौन सा बेल्ट मिला है मार्शल आर्ट में? सर ब्लू। ब्लू बेल्ट। कैसा लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खेल के विधा पर? ये खेल डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मदद करता है और अपना सेल्फ डिफेंस करने में मदद सेल्फ डिफेंस करने में। आपका नाम बताएंगे? देवनूर कौर।